नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में होने जा रहा है। ये जो राशि परिवर्तन है, यह राशि परिवर्तन कन्या लग्न वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेगा, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका लग्न मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लग्न मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल करके उसमें पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, वर्गो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस हाउस से गोचर करेंगे। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 7th हाउस से गोचर करेंगे। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 4th और उनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 7th हाउस से ही गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, अगर उनका किसी कारण से विवाह नहीं हुआ था, विशेष तौर से जो कन्याएं हैं, अगर उनका विवाह नहीं हुआ था जो फीमेल है, तो इस समय में उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। अच्छे जीवन साथी को वे प्राप्त कर पाएंगी। उनके अपने जीवन साथी को प्राप्त करने की जो अवधि थी या ढूंढने का जो समय था, वह पूर्ण होता दिखाई देगा। इस समय में उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ जो कन्या लग्न वाले जातक मैरिड हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने स्पाउस के माध्यम से अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, अच्छे व्हीकल का आनंद प्राप्त कर पाना, अच्छे पार्टनर का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख वे समय में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, अगर वे बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वे अपने बिजनेस के अंदर भी तेजी प्राप्त कर पाएंगे, बिजनेस के अंदर वे सफलता प्राप्त करेंगे और इस समय में उनका नेम फेम बढ़ने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, अगर वे अपने बिजनेस में कुछ बिजनेस पार्टनर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस समय उनके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर्स को ऐड करना, उनके धन को अपने कार्य व्यवसाय में लगवा पाना, ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, वे पब्लिक के अंदर भी धार्मिक कार्यों को करके अपना नेम फेम बना पाएंगे, अच्छा नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टियों के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति की जो 3 अमृतमयी दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, तो पहले 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कन्या लग्न वाले जातकों को, अगर वे बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के माध्यम से सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति वे कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, उन्हें उनके मित्रों का, अच्छे मित्रों का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। कोई पार्टी इत्यादि में जाने का भी शुभ अवसर उन्हें प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लग्न वाले जातक अपने धन को संचय कर पाएंगे। संचय कई प्रकार से होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गोल्ड की बात करूंगा। अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद अगर RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी तरीके से अपने धन को ये निवेश कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर कन्या लग्न वाले जातक कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो घर परचेज करने का ये बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अच्छे घर का सुख प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है, जिसका वे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका मन धार्मिक कार्यों में रमेगा, आपको धार्मिक कार्यों को करने की रुचि जागृत होगी, आप धार्मिक कार्यों को करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, मेंटली पीस होता है, जो आनंद हम मेंटली पीस का धार्मिक कार्यों को करके प्राप्त कर पाते हैं वो लंबे समय तक चलता है, वो ही आपको पीस इस समय में प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही थी तो इस समय में आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, आपको अच्छी स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके मन के अंदर एक चीज यहाँ पर जरूर
पनपेगी कि अगर मैं किसी कार्य को करता हूं या करती हूं तो मुझे क्या लाभ होगा। अपने लाभ को आप आगे रख करके सभी कैलकुलेशन बिठा करके कार्य करेंगे, आपका नेचर ही कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि अपना क्या लाभ होगा इस चीज को देख करके आप कार्य करेंगे, आपके लाभ पैक रहेगा। इसके बाद जब देव गुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके सिबलिंग्स बहुत आनंद से रहेंगे, उनके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी होगा, धन की प्राप्ति भी कर पाएंगे और इस समय में आप अपने सिबलिंग्स से भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सिबलिंग के माध्यम से कुछ धन लाभ इत्यादि करना, आपको अपने सिबलिंग्स के घर पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, आपको आपके छोटे और बड़े दोनों भाई बहनों का सुख इस समय में प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छे नौकर चाकर का सुख प्राप्त कर पाएंगी ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो ट्रेवल के माध्यम से छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करके आप कुछ अच्छा लेख लिख पाएंगे जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में किसी भी कार्य को करने के लिए बिजनेस व्यापार अगर आप कोई करते हैं तो उसके अंदर भी आपका पराक्रम बढ़ा हुआ होगा, आप अपने पराक्रम के बल से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए 119 दिन के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। अभी रेट्रोगेट होता क्या है सबसे पहले इसे समझते हैं। जब हम देखिए इस यूनिवर्स में सभी प्लेनेट आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, कोई पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, सब आगे की तरफ जा रहे हैं, परंतु जब हम अर्थ पर बैठ करके किसी स्लो मूविंग प्लेनेट को जो पीछे से आ रहा है उसे देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे की ओर जा रहा है। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हम कभी किसी फास्ट मूविंग कार में बैठे हों और हमारी ही डायरेक्शन में एक स्लो मूविंग कार हमारे पीछे से आ रही है तो हमें कुछ पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार पीछे की ओर जा रही है, तो इसे कहते हैं रेट्रोगेशन होना। तो इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं अगर कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें उन रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो इस समय अंतराल के अंदर किसी भी नए कार्य को करने से बचना चाहिए। किसी नया कार्य, कोई शुभ आयोजन, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य इस समय में करना लाभदायक नहीं रहता है। इस समय में उस किए हुए कार्य के भविष्य में अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते देखे गए हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर पहले तो बचना चाहिए। अगर फिर भी किसी कारण से कार्य को करना ही पड़ता है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करके करेंगे तो लाभ होगा। इस दान को आप गुरुवार के दिन करें, गुरुवार के दिन करके आप इस कार्य को अगर इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई शुभ आयोजन या शुभ कार्य करते हैं तो काफी संभावना बनती है कि आपका कार्य निर्विघ्न पूरा हो और आपको उससे लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।